फाइनली गाइज हमारे सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइज आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हमारी पावर सप्लाई के बारे में। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको सभी वीडियो जो है यहाँ पे पीसी की असेंबली की अलग अलग भी आपको मिलेगी, और इसी के साथ आपको जो है असेंबली की वीडियो भी मिलेगी, कैसे आप जो है असेंबल कर सकते हो। तो गाइज ये है उसकी यहाँ पे सेकंड वीडियो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो गाइज हम बात करने वाले इस पावर सप्लाई के बारे में। तो अगर आप भी अपना जो पीसी है 25K to 30K के अंडर जो है उसको असेंबल करना चाहते हो, तो ये सप्लाई जो है गाइज आपके लिए बेस्ट होने वाली है। आर्टिस्ट यहाँ पे जो है VIP गोल्ड 500। तो गाइज बात करेंगे इसी सप्लाई के बारे में, क्या इसके अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं, कैसा इसका डिज़ाइन है, कैसा आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस मिलती है, तो सारी बातें करेंगे गाइज। बाकी वीडियोस है जो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपडेट कर दूंगा जैसे ही वो अपलोड हो जाती है। तो गाइज पीसी सेटअप को भी जरूर से जरूर देखना। अभी यहाँ पे बात करेंगे इस सप्लाई के बारे में। मैं हूँ सचिन, आप देख रहे हैं न्यू टेक लर्नर्स चैनल। गाइज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी। अभी बात करते हैं हमारी इस सप्लाई के बारे में। सबसे पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे अभी इसको सबसे पहले करेंगे अनबॉक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसको मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करके ओपन करूँगा। तो गाइज करते हैं चलिए फिर अपनी पावर सप्लाई को अनबॉक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाती है केबल, जो गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो आपको यहाँ पे पावर केबल मिलती है। तो गाइज इसकी क्वालिटी मुझे कुछ अच्छी लगी यहाँ पे, और इसकी लेंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको लेंथ भी इसकी दिखाता हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पे आप देखो इसकी आपको कुछ इतनी लेंथ यहाँ पे मिल जाती है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आपको इससे जो है अच्छी लेंथ मिल जाती है, इससे आप जो है अपना जो बोर्ड है उससे आप यूज़ कर सकते हो उसको अच्छी तरह से। अभी यहाँ पे रखे हैं हमारी पावर सप्लाई जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे बॉक्स को फेंकते हैं साइड में। तो गाइज यहाँ पे आप देखो ये आ चुकी है हमारी भाई पावर सप्लाई जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फ़ैन मिल जाता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अच्छा है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ये जी इसके अंदर इनपुट का कुछ लोगो है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है कनेक्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्टिस्ट ब्रांड का, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो इसके बाद गाइज यहाँ पे बात करेंगे कनेक्टर्स की, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अभी इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पे इसको करते हैं आगे ओपन। तो गाइज यहाँ पे आप देखो जैसे मैंने इसकी केबल्स को ओपन किया तो हमें यहाँ पे जो लेंथ है केबल्स की कुछ ऐसी मिल जाती है। तो भी आप देख रहे हो गाइज लेंथ इसके अंदर अच्छी यूज़ की गई है, आप देख पा रहे हो वायर्स। सो गाइज यहाँ पे जो आप इसकी लेंथ देख पा रहे हो आपको कुछ इतनी मिल जाती है जो आप इसमें देख रहे हो। तो गाइज यहाँ पे क्वालिटी की बात करें तो केबल्स की क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कनेक्टर इसका जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी शेप में है गाइज, अच्छी तरह से यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पे वायर्स आप देख पा रहे हो इसके अंदर कैसी जो यूज़ की गई है। तो गाइज अभी इसके अंदर बात करते हैं बाकी कुछ कनेक्टर्स की। तो ये आपने देखा इसके अंदर 24 पिन कनेक्टर था। इसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपको मिल जाते हैं कुछ यहाँ पे जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है उसके लिए आपको यहाँ पे कनेक्टर्स मिल जाते हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अगर आपको 8 पिन कनेक्टर की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर से आप इसको निकाल भी सकते हो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आपको 6 पिन यूज़ करना है तो इसके साथ आपको एक 6 पिन और एक्स्ट्रा भी मिल जाता है यहाँ पे। गाइस इसके बाद बात करें यहाँ पे हार्ड डिस्क के लिए, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो सेटअप पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये दो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इसके साथ आपको मोलेक्स कनेक्टर मिल जाता है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इससे अलग भी आप देख पा रहे हो सेकेंड केबल आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं, तो इसके अंदर भी गाइज आपको ऐसे ही मिल जाता है कुछ जो यहाँ पे आपको मिल जाता है सेटा केबल्स के लिए, और यहाँ पे आप देख रहे हो जो सेटा हार्ड ड्राइव है उसके बाद यहाँ पे आपको मोलेक्स के लिए मिल जाता है इसके अंदर। तो ये भी आपको इसके अंदर अच्छे मिल जाते हैं कनेक्टर। यहाँ पे बात करें CPU के लिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपको यहाँ पे जो है 8 पिन का सपोर्ट मिल जाता है CPU के लिए। तो गाइज आप अगर 4 पिन मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 4 पिन के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 8 पिन दोनों आप मदरबोर्ड पे सप्लाई को यूज़ कर सकते हो। तो गाइज ये थे इसके अंदर कुछ कनेक्टर्स जो आपने देखे। तो गाइज यहाँ पे जो केबल्स है वो भी यहाँ पे अच्छी यूज़ की गई है। तो आप गाइज मुझे बताओ आपको ये सप्लाई कैसी लगी। अभी आपको इसकी बाकी आगे की वीडियो मिलेगी, वो मिलेगी आपको यहाँ पे जो है असेंबली के टाइम पे मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसके अंदर गाइज कुछ ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो इसकी पावर रेटिंग है वो यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सुपर साइलेंट पावर सप्लाई, यहाँ पे आपको रेटिंग मिल जाती है। तो आप गाइज मुझे बताओ आपको ये कैसी लगी। मैं आपसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो गाइज बाकी वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और जैसे सेटअप कंप्लीट होता है मैं उनको अपडेट कर दूंगा, तो आप उनको जरूर से ज़रूर देखना। अभी गाइज मैं इसको जो है यहाँ पे सेटअप करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कैसे ये वर्क करती है सब कुछ। तो गाइज आप बाकी वीडियोज़ को एंजॉय करो, तब तक मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना।